तो ये जर्नी शुरू हुआ था कुछ इस तरीके से। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल कौशनीज ब्लॉग। अभी मैं जो है एक रोड ट्रिप पे आ गई हूँ एंड ये रोड ट्रिप टूअर्ड्स गोवा जाने वाली हूँ। गोवा का पूरा एक सीरीज मैं बनाने वाली हूँ, लेकिन आज जो है वहाँ मैं अभी अम्बाघाट पे आ गई हूँ। आज मैं आप लोगों को ये जो पीछे का सीनरी दिखा रही हूँ, ये है अम्बाघाट सेक्शन एंड ये रत्नागिरी एरिया के अंदर पड़ता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो आप लोगों को ज़रूर पता होगा, रत्नागिरी मैंगोज। एंड ये आज से ही स्टार्ट करने वाली हूँ मेरा गोवा सीरीज का डे वन। तो चलिए देखते हैं, बहुत सुंदर व्यू है। तभी पहाड़ी का रास्ते होते हुए हम लोग जा रहे हैं कोंकण म्यूजियम। यहाँ पे घाट सेक्शन है। ये है प्राचीन कोंकण म्यूजियम एंड ये जो है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये है कांचाची गुफा। तो चलिए हम लोग जा रहे हैं। नाम है वाग्जाई और वाग्जाई का मतलब है टाइगर। ये गॉडेस है हमारे जो पूरे बहुत फॉरेस्ट के जो सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाग्जाई देवी होते हैं और यहाँ में सारे लोग बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। तो चलिए है, एक मंडला बैठा हुआ है और यहाँ का जो पंचायत का हेड यानी कि उनको बोला जाता था खोट, और वो सारे यहाँ का टैक्सेस वगैरह जो मेंटेनेंस आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ का पूरा गवर्नमेंस ये खोट ही संभालते थे। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। आप लोगों को मेरा ट्रैवल ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स।
एज वेल एज डू फॉलो मी ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये मैंने पूरा ही एक गोवा सीरीज बनाया है। और गोवा सीरीज के अंदर मैं पूरा जो गणपति पुले है एंड उसके बाद मालवन है, उस ये सारे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगी कि पुणे से मैंने कैसे जर्नी स्टार्ट किया है। एंड आई होप आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं गणपति पुले बीच में, और ये जो बीच है बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये पुणे से गोवा में जाने के रास्ते सबसे ज़्यादा फेमस एंड अट्रैक्टिव पॉइंट है। ये बीच के एकदम बाजू में जो है एक मंदिर। हम लोग लास्ट टाइम जो बीच में गए थे वहाँ पर तो कोई भी क्राउड नहीं था, लेकिन अभी हम लोग आ गए हैं गणपति पुले में, और यहाँ का जो बीच है आप लोग देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा क्राउड है। एंड यहाँ का जो वेव्स है बहुत ज़्यादा बड़ा वेव्स है, एंड मैं अभी इसकी पानी में डुबकियाँ लगाने वाली हूँ। सो आप लोगों को कुछ छोटा छोटा ग्लिम्स जो है इस बीच का देने के बाद ही मैं यहाँ पर एंजॉय करने वाली हूँ। तो चलिए सनसेट का टाइम था, और ये छोटा छोटा लहर हमारे मन को भी बहुत ही ज़्यादा शांत कर रहा था। मैंने यहाँ पर बैठ के सनसेट को एंजॉय किया, एंड बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे होटल में, और ये गणपति पुले में ही है। इसका नाम है कोंकण होटल, एंड यहाँ का सर्विस जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग एंड होमली है। यहाँ पे ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन कोंकणी फूड जो है हम लोगों ने टेस्ट किया, एंड हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। I must recommend you all guys to visit this place if you are coming in Ganapati Pule. Bookings.com का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। और इसके साथ साथ मेरा गणपति पुले का ब्लॉग ख़त्म हुआ। If you guys like my video, please don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for more videos. As well as do follow me on my Facebook and Instagram profile. I will see you next time very soon with my Malvern video blog. Till then, bye bye, take care, and I love you all.